हेलो फ्रेंड्स, कल हमने छठी कक्षा का उपहार एक कहानी स्वरूप पाठ हमने सीखा था, तो आज हम उसका स्वाध्याय पूरा करेंगे। सबसे पहले शब्द वाटिका में हमको नए जो शब्द आते हैं, मतलब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसको बोलते हैं, तो उस शब्द के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। तो देखो, नए शब्द में तेज, पहला जो शब्द है वो तेज। तेज मतलब प्रखर, है ना? तेज प्रखर। पोटली, छोटी थैली, छोटी थैली, स्मॉल बैग बोलते हैं ना हम उसको। हैरान, हैरान होना, चकित होना। कोई अगर घटना घट जाती है कि जो कि हमको ऐसा कभी नहीं लगता कि ये घटना घट जाएगी, तो हम कभी कभी चकित होते हैं, है ना? अचानक से समझो हमारे मामा अपने गांव आ गए या मौसी आ गई, है ना, तो हम ऐसे चकित होते हैं ना। राहगीर, राहगीर मतलब रास्ते पे जाने वाला आदमी, रास्ते से आने जाने वाला आदमी कोई भी हो सकता है, जो अपना अपने पहचान का नहीं होता उसको हम राहगीर बोल सकते हैं, है ना? तो मराठी में बोल सकते हैं अनोळखी मनुष्य। तो राहगीर मतलब पथिक, पथिक। तो ये सारे शब्द जो है, नए शब्द चार शब्द है, वो चार शब्द अपने नोटबुक में लिखो। फिर मुहावरे दिए हैं, आंखें भर आना, आंखें भर आना मतलब दुखी होना, दुखी होना, है ना? तो इसका हम वाक्य भी, वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आंखें भर आना। जब माने ऋतिक से मेला न देखने की, विनती की, तो ऋतिक की आंखें भर आई, है ना? जब मम्मी ने आपको चाय नहीं पूछी तो आपकी आंखें भर आई। ऐसा होता है क्या कभी? होता है। तय करना, तय करना मतलब निश्चय करना। हम बोलते हैं ना, मैंने फिक्स किया है कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। फिक्स मतलब ऐसे तय करना, कुछ तो मन में निश्चय करना, है ना? मैंने तय किया है कि मैं 10वीं कक्षा में 80% मार्क्स ले लूँगा, है ना? तो ऐसे तय करना मतलब निश्चय करना, कुछ तो बनने की, कुछ तो करने का निश्चय करना। चकित होना, आश्चर्य करना, मैंने जैसे आपको बताया था ना। अचानक मेरे मामा मेरे घर पे देख के मैं तो चकित हो गया, है ना? हो सकता है अचानक मेरे लिए पापा ने साइकिल लाई और मैं भी चकित हो गया। तो चकित होना मतलब आश्चर्य करना, है ना? आंख लगना, नींद आ जाना। न जाने ऋतिक को अभ्यास करते हुए कब आंख लग गई, मालूम ही नहीं पड़ा। आंख लग गई, नींद आ गई। आंख लगना, नींद आ जाना। तो देखो, ये बहुत सिंपल है। ये नए शब्द हो या मुहावरे हो, या आप क्या करो, अपने नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग में, अच्छे हस्ताक्षर में लिखो। अभी ये दूसरा प्रश्न है भाषा की ओर में। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। ये जो शब्द दिए गए हैं वो कहानी में ढूंढने हैं आपको, और फिर उसका
समानार्थी शब्द आपको लिखना है, बताना तो है, लेकिन अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, लिखना है। सखा, सखा मतलब मित्र, सखा मतलब मित्र। तो सखा और इसे डैश करके आप मित्र, म को ऐसे पहली वेलंटी और त्र मित्र ऐसे लिख सकते हो। ऐसे पांच शब्दों को, पांच शब्दों के समानार्थी शब्द वन बाय वन लिखो अपने नोटबुक में। सखा मित्र। जननी माता, माँ बोलते हैं उसको, है ना, माउली मराठी में बोलते हैं माउली। जननी माता माँ लिख सकते हो। फिर भगिनी, भगिनी मतलब बहन, अपनी बहन होती है ना, बहन लिख सकते हो बहन। फिर वृक्ष, वृक्ष पेड़, वृक्ष पेड़। और फिर लास्ट नयन, नयन मतलब आँख, है ना, नयन मतलब आँख। तो ये सखा मतलब मित्र, जननी मतलब माँ माता, भगिनी मतलब बहन, वृक्ष मतलब पेड़, नयन मतलब आँख। तो ये सारे शब्द अपने नोटबुक में लिखो और उसके समानार्थी शब्द जो भी मैंने अभी बताए हैं आपको, वो क्या करो, उसके ठीक सामने लिखो, फेस टू फेस लिखो और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, जो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी भाग जो है कल देखेंगे। थैंक यू।